हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पोर्ट्स अपडेट्स विद अनु में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे ओडीआई मुकाबले में फाइनली बांग्लादेश ने इस मैच को भी जीत लिया है 5 रनों से और इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। अफसोस जरूर है कि भारत इस मैच को हार गया। हालांकि जो मैच था वो बेहद ही ज़बरदस्त हुआ है, जिसने भी इस मैच को देखा वो भूल नहीं पाएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक, आखिरी बॉल तक जो है वो ये बना रहा कि पता नहीं ये मैच किसके खाते में जाने वाला है। इस वन साइडेड मैच नहीं था ये बहुत। और बात करें अगर रोहित शर्मा की, तो भाई क्या बल्लेबाजी किया रोहित शर्मा ने। चोटिल थे, चोट लगी हुई थी अपनी उंगली में, जिस तरीके से आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बैटिंग करने आए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, एक कैप्टन का फर्ज भी निभाया और अंत तक डटे भी रहे। लेकिन अफसोस, वो जो आखिरी बॉल पे छक्का चाहिए था, काश यार अगर वो लग जाता तो ये मैच अपने नाम हो जाता। हालांकि श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल ने भी अच्छी बैटिंग की है। वहीं से जहां से श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की विकेट्स गई थी, वहीं से ही लगने लगा था कि मैच शायद अब इंडिया के हाथ से निकल गया, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा ने लास्ट मोमेंट तक एक उम्मीद जगा के